हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए फिर से डबल कलर लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है और काफ़ी लोग फरमाइश करते हैं ये डबल कलर के डालिएगा। ये बच्चों के स्वेटर्स पे बहुत सुंदर लगेगा। छोटे बच्चों के स्वेटर्स होते हैं डबल कलर में या ट्रिपल कलर में या चार कलर में, मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं आप इसे। इसमें फंदों की कोई बाउंडेशन नहीं है, जितने फंदे होंगे उतनों में आप इस कलर इसको डिज़ाइन को डाल सकते हैं। आप ये देखेंगे ऐसे दिखता है जब ये आता है। बैक साइड से देखिएगा इस तरीके से है और इसका फ्रंट देखिए इतना इस तरीके से आता है। बहुत ही सुंदर दिखता है ये और आप कितने भी फंदों में इसे जो है बना सकते हैं। बहुत आसान डिज़ाइन है, बिगनर्स भी बना सकते हैं और जो बहुत अच्छे बुनाई करने वाले हैं, नेटिंग करने वाले हैं, उनके लिए भी आप ये देखिए बहुत ही अच्छा और आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस डिज़ाइन को हम किस तरीके से जो है बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप कितने भी फंदों में डाल सकते हैं, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये कितने भी डिज़ाइन, कितने भी फंदे आपके पास होंगे उतने में आप इसे डाल सकते हो। डबल कलर का डिज़ाइन है, बहुत सुंदर दिखता है। और चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। अब देखिए, पहली लाइन पूरी इस तरीके से सीधे करेंगे आप, ऐसे ये पूरी आप इस तरीके से सीधे करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन जो है आपने ये भी आपने सीधी करनी है, सीधी बनानी है ऐसे, और इसे आप सीधा बनाओगे इस तरीके से। अब देखिए, अब हम लेंगे नेक्स्ट कलर, यानी कि दो दो कलर्स आपने चलाने हैं, अलग अलग कलर्स के। आप काफ़ी सारे भी ले सकते हैं, मैं दो कलर्स का बना रही हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए दूसरा कलर लगाऊंगी। अब करना क्या है, पहला फंदा तो उतरता है लेकिन जब हम दूसरा कलर लगाते हैं तो उसे हम बनाते हैं। ये फंदा आपने बनाया, अब एक फंदा बनाऊंगी इस तरीके से। अब ये जो दूसरा फंदा आपको दिख रहा है, ये इसके हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, इसके नीचे से बनाएंगे। ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से डालेंगे आप, इसे डालेंगे निकाल के। आपने इसे बनाया और इसे छोड़ दिया, फिर एक फंदा सीधा, अगेन एक फंदा, ये जो नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पर डालेंगे, यहाँ से इसे बनाया, उतार दिया, फिर ये फंदा सीधा, अगेन ये देखिएगा करना यही है आपने रिपीट। ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ नहीं डालना है, यहाँ यहाँ डाला आपने, इसे बनाया और एक को सीधा बनाया, फिर नीचे डाला, इसे बनाया, एक को सीधा बनाया। अब पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने, नीचे डाला आपने इस तरीके से बनाया और एक लाइन सीधा, एक फंदा, फिर नीचे डाला, फिर बनाया, फिर एक फंदा सीधा, फिर नीचे डाला, इसे बनाया, एक फंदा सीधा, अगेन नीचे डाला, इसे बनाया। अब ये दो फंदे आप इसी तरीके से सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा, ये हमने सेकंड कलर लगाया। आप पलट लीजिए, अब पूरी लाइन सीधी जाएगी इस तरीके से। ये उतारेंगे आप और ये ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से हम ये पूरी लाइन सीधी करेंगे।
अब देखिए ये लाइन पूरी सीधी हो गई। अब फिर से येलो कलर लूँगी इसे बैक करके। अब देखिए करना क्या है, पहला फंदा येलो से पहले बनाऊँगी इस तरीके से। अब ये दो फंदे सीधे बनाऊँगी, एक और एक दो, इस तरीके से। अब यहाँ से ये जो ग्रीन है इसके नीचे से इस तरीके से डालूँगी और इसे बनाऊँगी, उतार देंगे। फिर एक फंदा सीधा, अगेन यहाँ डाला आपने, इसे बनाया, उतार दिया, एक फंदा सीधा, फिर से यहाँ डालूँगी ऐसे और एक फंदा सीधा, अगेन यहाँ इसे बनाया आपने, एक फंदा सीधा, फिर डाला, फिर बनाया आपने, एक फंदा सीधा, फिर डाला, फिर बनाया, एक फंदा सीधा, अगेन पूरी लाइन ऐसी करनी है आपने। ये देखिए आप पलट के ये लाइन पूरी सीधी जाएगी ऐसे और इस तरीके से। ये देखिएगा इसी तरीके से आपने करते हुए जाना है। आप चाहे आप इसमें मल्टी कलर कीजिए या दो कलर कीजिए, ऐसे उभर के आएगा। फिर से दिखा देती हूँ, जस्ट ये चार लाइंस आपने रिपीट करते हुए जाना है। अब फिर से हम ग्रीन लेंगे, ग्रीन से एक तो बनाएंगे पहला फंदा, ये तो स्लिप जो करती हूँ वो है। अब एक ही फंदा बनाएंगे, फिर यहाँ नीचे से, ये देखिएगा यहाँ नीचे से इस तरीके से डालेंगे और बना देंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर नीचे से डालेंगे, फिर बनाएंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे सीधा, फिर आपने ऐसे बनाना है, फिर एक फंदा सीधा, अगेन ऐसे डाला बनाया, एक फंदा सीधा, फिर डाला बनाया, एक फंदा सीधा, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे आप। अब ये देख लीजिए पूरी लाइन कर ली। पलट के आपने इसको सीधा बनाना है ऐसे, इस तरीके से। ये देख लीजिएगा इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन लगता है। आप बच्चों के उस पर डाल सकते हैं इसे, डबल कलर, ट्रिपल कलर, चार कलर, कितने भी मल्टी कलर्स में आप इसे बना सकते हो। इसी तरीके से आपने करना है। एक बार में आपने पहली बार में जो है ये उतारने के बाद, क्योंकि ये हमारा लास्ट पहला फंदा होता है, ये पहली बार में एक फंदा और अगली बार में दो फंदे। अब देखिए ये येलो कलर, तो मैं इसमें से दो फंदे करूँगी ऐसे, फिर नीचे से अगेन ऊपर, फिर नीचे से बनाया, फिर एक फंदा बनाया, फिर नीचे से बनाया, फिर एक फंदा बनाया, इस तरीके से आपने इसे पूरा करते हुए जाना है। और उल्टी लाइन हमेशा सीधी बनेगी, जो हमारी उल्टी लाइन होती है वो हमेशा हम सीधी बनाएंगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आप इसे रिपीट करते हुए जाएंगे तो ये ऐसे आपको दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है। बच्चों के उसमें स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा ये।
और बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन भी नहीं है कि जिसे बोलो कि बहुत मुश्किल सा डिज़ाइन है, देखिएगा। तो चलिए फिर आप इसे बनाइए और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जब आप इसे बना लें। थैंक यू।